Good morning everyone, my name is Ankit Sinha and from Department of Civil Engineering, and welcome back to the course on Engineering Hydrology. Currently we are in our third module of Engineering Hydrology, in which we have discussed various topics related to the estimation of mean rainfall, in which we have discussed three different methods, which were arithmetic mean method, Thiessen polygon method and isohedral method. Then we have discussed about frequency and probability analysis of the rainfall, and today we are going to discuss a particular problem regarding the frequency and the probability analysis for the rainfall. तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी और रेनफॉल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट एक तरह से समराइज हो जाएं और आपके पास उस पूरे अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बढ़ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है द एनुअल रेनफॉल वैल्यूज इन सेंटीमीटर एट स्टेशन पी फॉर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स आर गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे जो डेटा दिया गया आपको सेंटीमीटर में दिया गया है और आपके पास 11 साल का डेटा अवेलेबल है जो कि रेनफॉल के टर्म्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द रेनफॉल विथ रिकरेंस इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स. आपसे पूछा जा रहा है उस 4 ईयर्स के रेनफॉल इंटरवल का मैग्नीट्यूड का रेनफॉल क्या होगा. फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए रेकरेंस इंटरवल ऑफ 101 सेंटीमीटर रेन 101 सेंटीमीटर रेन के रेनफॉल का रेकरेंस इंटरवल क्या होगा, और ये भी बताना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रेनफॉल ऑफ 92 सेंटीमीटर. ठीक है, इन सारी चीज़ों का कंसेप्ट आपको हमने बता दिया था. आपके पास तीन फार्मूला अवेलेबल थे, वीबुल फार्मूला, कैलिफोर्निया फार्मूला और हेजन फार्मूला, जिसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते थे. हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को या फिर रिटर्न पीरियड को मैग्नीट्यूड के साथ एक सेमी लॉग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जहाँ पे हम लोग उस ग्राफ पे डेटा को एक्सट्रापोलेट करके अपने पसंद के डेटा को रीड कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मोर प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चीज़ों को अप्रोच करेंगे, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियरली हो. ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको सबसे पहला काम करना था गिवन डेटा को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ताकि आप सारे डेटा को एक रैंक असाइन कर सकें. तो सबसे पहला काम आपको ये करना था. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 11. तो इस 11 डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है. तो स्टार्टिंग होगी आपकी 120 से और एंड होगा डेटा आपका 60 सेंटीमीटर पर. तो इस डेटा को अरेंज करेंगे. इस डेटा को अरेंज करने के मैग्नीट्यूड के साथ और रैंक असाइन करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आती है वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आपके पास तीन फार्मूला अवेलेबल थे. एक फार्मूला आपका था वेबुल का, जहाँ पे आपको लिखा गया था प्रोबेबिलिटी, या फिर प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई एम डिवाइड बाई एन प्लस वन. फिर आपके पास कैलिफोर्निया का फॉर्मूला था, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख रहे थे एम बाई एन. और आपके पास हेजन का फॉर्मूला था, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे एम माइनस 0.5 डिवाइड बाई एन. अगर आपके पास क्वेश्चन में इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली वीबुल फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ. रेनफॉल विथ अकरेंस इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऐसा रेनफॉल बताइए जहाँ पे अकरेंस इंटरवल आपका 4 है. इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में बताया दिया गया है. अगर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, पहला पार्ट जो हो गया आपका बताया गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर्स. 4 साल के टाइम पीरियड के मैग्नीट्यूड को आपको खोजा जा रहा है. इसका मतलब इसको हम लोग वीबुल के हिसाब से अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई एम. आपको पता है एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 11 इन दिस पार्टिकुलर सिनेरियो. तो ये कितना हो जाएगा, 4 शुड बी इक्वल टू 12 बाई एम. तो एम क्या आता है आपका यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करने के बाद एम आपका यहाँ पे आ रहा है 12 बाई 4, जो कि होता है 3. तो बेसिकली थर्ड रैंक का आपका जो भी रेनफॉल होगा वो आपका टाइम पीरियड 4 ईयर्स का रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पे थर्ड रैंक आपका रेनफॉल क्या है, 109 सेंटीमीटर. ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन में यहाँ पे आप आंसर आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड होगा
109 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रेनफॉल फॉर रेकरेंस इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स आपसे पूछा जाए, आपने बना दिया। सेकंड पार्ट है रेकरेंस इंटरवल ऑफ 101 सेंटीमीटर रेन। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये बताइए कि 101 सेंटीमीटर के रेनफॉल का रेकरेंस इंटरवल क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या था आपको, देख चेक करना होगा कि रैंक में कितना है। तो इसका पार्टिकुलर रैंक हो रहा है 4। तो अब यहाँ पे आप इसका देखें, रैंक इज इक्वल टू 4, इसका मतलब एम की वैल्यू जो है आपका 4 आ गया। टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ वीबुल, वीबुल के हिसाब से अगर हम लोग टाइम पीरियड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 डिवाइड बाई एम, जो कि क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 11। आपका यहाँ पे n की वैल्यू होगा 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12/4। इसका मतलब रेकरेंस पीरियड हो गया 3 ईयर्स। ये भी काफ़ी सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन जो हो गया आपका, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनुअल रेनफॉल ऑफ 92 सेंटीमीटर। आपसे आपको ये बताना है कि 92 सेंटीमीटर के रेनफॉल के होने की प्रॉबिलिटी क्या है। यहाँ पर भी आप काफ़ी सिंपली डायरेक्टली क्या करना है, 92 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो आपका रैंक कितना आ रहा है 6। तो अब आप क्या कर सकते हैं, रैंक इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू हो गई आपकी 6। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/t, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 11 प्लस 1, इसका मतलब 0.5, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी तीन तरह से आप इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे आप तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।